हेलो, वेलकम टू मॉम्स फूड पॉइंट। आज हम बनाएंगे सूजी का नाश्ता। पहले हम एक कटोरे में 100 ग्राम सूजी लेकर उसे पानी डालकर 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। साथ ही में बारीक कटा गाजर, पत्ता गोभी, कांदा और हरी मिर्च ले लेंगे। साथ ही एक अंडा लेंगे। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे जिसमें हम अपनी भीगी हुई सूजी को डाल लेंगे। अब उसी बाउल में हम अपनी बारीक कटी हुई गाजर, पत्ता गोभी, हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। साथ ही में बैटर में एक अंडा डाल देंगे। उसी के साथ नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे। फिर उसमें बारीक कटी धनिया डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। तवा अच्छी तरह से गर्म होने के बाद उसमें ऑयल, बटर या घी लगा देंगे। तैयार किए हुए बैटर को अब तवे पे डाल देंगे। तवे पर अच्छी तरह से फैलाने के बाद उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। एक तरफ से अच्छे से पकने के बाद उसे हम पलट कर दूसरी तरफ से पका लेंगे। ये लीजिए, हो गया रेडी हमारा सूजी का नाश्ता। अब इसे हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। इसी तरह की अच्छी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल मॉम्स फूड पॉइंट।